यहाँ सब कुछ मिलेगा। 450 रुपये 450 रुपये स्टार्टिंग गुड का। अच्छा स्टार्टिंग गुड का है, अलग अलग बक्सा 300 रुपये, कड़ा 800 रुपये, 700 रुपये का है, ठीक है। 200 रुपये मोटरसाइकिल के इंजन की कितने की आती है तकरीबन? 300 रुपए की। और हाफ किट जो होती है 200 रुपए की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड स्टॉक में मौजूद हूँ ये औरंगजेब मार्केट में। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का एक ठिया है जिसमें तकरीबन कंप्लीट सामान है। यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक जो भी कंप्लीट स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ये होलसेल रेट पे दे रहे हैं। और आज इसकी कंप्लीट की वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टायर हसनैन को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम अली। अली भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अली भाई, ये औरंगजेब मार्केट में आपके पास ये जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर बाइक स्पेयर पार्ट्स के वाले थे जी, तो आपके पास क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ सब कुछ मिलेगा, सारे बाइक स्पेयर पार्ट्स सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। व्यूअर्स को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ रेट्स वगैरह की बात करते हैं तो ये असेंबली कितने की तकरीबन? ये 450 रुपये 450 रुपये की। अच्छा स्टार्टिंग गुड का है ये, स्टार्टिंग गुड का, ठीक है। क्राउन डिफॉन का 350 रुपये तकरीबन, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये नीचे चेन स्पॉकेट रखे हुए हैं, चेन स्पॉकेट अलग अलग रेट के हैं। तकरीबन होंडा का कितने का आ रहा है? होंडा का समझ लो 2000 रुपये का होगा, 2000 रुपये तक का है, ठीक है। बाकी ऊपर भी चेन स्पॉकेट रखे हुए हैं, ये भी चेन स्पॉकेट है। तो कम से कम क्या प्राइस है तकरीबन? 1200 रुपये से स्टार्टिंग है, ठीक है। 1000-1200 रुपये में, ठीक है। ये सारे ऊपर भी रखे हुए हैं मतलब क्वालिटीज़ में, ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्राउन लिफान का ये क्या रखा हुआ है? क्लच बॉक्स, कलर बक्सा 300 रुपये का, ठीक हो गया। ये मैग्नेट कॉइल रखी हुई है, मैग्नेट कॉइल का रखा हुआ है, एक कड़ा 800 रुपये का, ठीक हो गया। इसके अलावा ये पिस्टन है, हाँ ये पिस्टन 70 का पिस्टन है, ये कितने का? 700 रुपये का, 700 रुपये का है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, बैरिंग रखे हुए यहाँ पे? 200 रुपये बैरिंग, 200 रुपये बैरिंग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं चाबी सोच हैं, चाबी सोच कितने का तकरीबन? 200 रुपये का है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर केबल वगैरह रखी हुई है सारी, वो 150 रुपये की, 150 रुपये कोई सी भी ले लें, 150 रुपये की है। क्लच की ले लें या एक्सीलेटर की ले लें या ब्रेक की ले लें, कोई सी भी ले लें, 150 रुपये की है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये ब्रेक शू रखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर ये ब्रेक शू रखे हुए हैं, ये 250 रुपये ब्रेक शू रखे हुए हैं, क्राउन लिफान के 250 रुपये, ठीक है। इसके अलावा ये क्लच प्लेटें हैं, प्रेशर प्लेटें हैं, ये क्या है? टाइमिक चैन है, टाइमिक चैन छोटी वाली, ठीक है। कितने की सर ये तकरीबन? 300 रुपये की है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये बैरिंग रखे हुए हैं, ये कौन से बैरिंग कहलाते हैं? ये पीछे के बैरिंग 301। अच्छा पिछले टायर के बैरिंग है ये, ठीक है। जोड़ी कितने की होती है तकरीबन? 200 रुपये की जोड़ी, 200 रुपये की जोड़ी है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये रखा हुआ है, ये क्या है? टाइमिंग चेन का सेट है। अच्छा टाइमिंग चेन के रूलर के साथ सेट है ये, सेट है। कंप्लीट सेट कितने का पड़ता है तकरीबन? 350 रुपये, 350 रुपये का पड़ता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये फ्यूल के ये रखे हुए हैं, ये 450 रुपये। अच्छा 450 रुपये तक के हैं ये, ठीक हो गया। और आगे आ जाते हैं इस तरफ, हाँ ये क्लच प्लेट रखी हुई है, क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट 350, क्लच प्लेट है प्रेशर प्लेट है तकरीबन 350 रुपये की हैं, ठीक हो गया। और आ जाते हैं इस तरफ आ जाते हैं, और ये हेडलाइट रखी हुई है, हेडलाइट 350 रुपये, 350 रुपये की तकरीबन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ ये कार्बेटर रखा हुआ है, कार्बेटर तकरीबन कितने का है? कार्बेटर समझ लो 2300 रुपये, 2300 रुपये का कार्बेटर है फीचर का, ठीक हो गया। ये इंडिकेटर रखे हुए हैं यहाँ पे, इंडिकेटर 500 रुपये का सेट है, चार पीस का, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर वायरिंग रखी हुई है, वायरिंग 1000 रुपये की है, वायरिंग जो है तकरीबन 1000 रुपये की है। पैकेज का वीडियो पूछे जी भाई। इसके अलावा ट्यूब्स वगैरह रखी हुई हैं, 400 रुपये की ट्यूब, 400 रुपये की ट्यूब्स वगैरह हैं, ठीक है। और इस तरफ आ जाते हैं नीचे, ये क्या चीज़ है, मीटर रखे हुए हैं, ये मोबाइल चार्जर। अच्छा मोबाइल चार्जर है,
मतलब मोटरसाइकिल से ही मोबाइल चार्ज जाता है। तो ये कितने का है तकरीबन? 400 रुपये का है, ठीक हो गया। और ये कॉइल रखी हुई है, प्लग कॉइल है? 400 रुपये, 450 रुपये तक की हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाल रखे हुए हैं? 70 के वाल हैं, क्राउन लिफाफ के तकरीबन 400 रुपये के, ठीक है। और इसके अलावा ये टंकी का स्विच रखा हुआ है? 700 रुपये की स्विच गेट रखी हुई है, ठीक हो गया। आगे जाते हैं, ये बुश रखे हुए हैं? 200 रुपये के बुश। बुश हैं मतलब चिमटे के बुश हैं ये? चिमटे के बुश, ड्रम के 125। अच्छा, ड्रम के 125 के हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आयल वगैरह रखे हुए हैं आगे? आयल 600 रुपये, कल्टेस वाला। अच्छा, कल्टेस वाला तकरीबन 600 रुपये का, शेल का? शेल का भी इतने का। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये एक्सल वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे? 150 रुपये का, 150 का है। सेंट्रल एक्सल लें या फ्रंट व्हील का लें? ठीक है। और इसके अलावा ये ऊपर ये रखी हुई हैं? 100 रुपये की हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट पैकिंग वगैरह जो होती है, वो पूरी कंप्लीट पैकिंग जो है मोटरसाइकिल के इंजन की, कितने की आती है तकरीबन? 300 रुपये की। और हाफ किट जो होती है? 200 रुपये की, ठीक है। बाकी ये टूल्स, ये नट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये स्प्रिंग रखे हुए हैं? जैसे जैसे ज़रूरत होती है, मतलब वैसे इस्तेमाल में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट वैरायटी मिल जाती है जी, ठीक है। जो चीज़ नहीं होती, मतलब अड़ोस पड़ोस से आप अरेंज कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जी जरूरी भाई, इसके अलावा पैकेज की बात करते हैं, तो पैकेज अगर मोटरसाइकिल एक आता है यहाँ पर और स्पेयर पार्ट्स मतलब बॉडी पार्ट्स अगर चेंज किए जाएँ, तो तकरीबन कितने तक में तैयार हो जाती है? कम से कम जो लो पैकेज होता है, कम से कम भी 18,000 में भी होता है, 15,000 में भी होता है, और भारी सामान में 40,000 में भी होता है। अच्छा, 15,000 से लेके और 40,000 तक के मुख्तलिफ पैकेज हैं, मतलब जिस क्वालिटी में लेना चाहें वो कस्टमर की चॉइस है, मतलब जिस में मतलब शिफ्ट करवाना चाहे, जो क्वालिटी लेना चाहे, ठीक है। माल जो चल रहा मार्केट में वो सब चल रहा है हल्का, जो हम भी जो देंगे ना पैकेज में हल्का माल देंगे, ठीक है। में जो माल तैयार होगा वो 40,000 रुपये, 50,000 रुपये तैयार होगी अपने हाथ से, अपने हाथ से सब भारी में सामान लोगे तो। अच्छा, तो ये बॉडी पार्ट्स में तकरीबन कितने आइटम हो जाते हैं तकरीबन, अगर चेंज करवाएं जैसे आजकल चेंज हो रहे हैं पैकेज वगैरह में? तो कम बॉडी आइटम में तो 15-16 है, वो पूरी गाड़ी तैयार करना है 50-60 आइटम है। अच्छा, पूरी गाड़ी अगर तैयार करवाते हैं तो 50-60 आइटम है जो चेंज करना पड़ते हैं तकरीबन? 0311 जी 1292 0311 1292 076 076। ये औरंगजेब मार्केट में आपकी लोकेशन किस जगह पे है, मतलब बाबू ऑटो के सामने? बाबू ऑटोज के दिलपसंद के बैक साइड, बाबू ऑटोज के सामने, बाबू ऑटोज के सामने है, ठीक है। हेलमेट वाला इंतजार, ठीक है। ये बाबू ऑटोज है, बाबू ऑटोज के बिल्कुल सामने है, बाबू ऑटो के सामने, ठीक है, हो गया जी। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल तायरस 9 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।